आरडीएनसी जूडो एकेडमी द्वारा जनता स्कूल भिलाई में लगाए गए एक माह के जूडो समर कैंप का समापन रविवार को विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री तुलसी साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। बीते दो वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गए और इस दौरान किसी भी खेल का आयोजन छोटे या बड़े स्तर पर नहीं किया गया, जिससे हर खेल का खिलाड़ी अपने ही घरों में बंद होकर रह गए थे। इस वर्ष इसका खतरा काफी कम हो गया है, पर टला नहीं है। बहरहाल कम खतरे को देखते हुए इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में समर कैंप के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन कैंप एक जनता स्कूल में आरडीएनसी जूडो एकेडमी द्वारा जूडो के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए कराया गया, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया और जूडो खेल की बारीकियों को सीखा। रविवार को इस समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समापन समारोह में उपस्थित अतिथियों और क्षेत्रवासियों के समक्ष जूडो के खिलाड़ियों ने जूडो खेल के कुछ पैंतरे दिखाए और बताया कि इस खेल को खेलने से आप अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं। साथ ही इस खेल के दौरान अपनी शारीरिक कुशलता बनाए रखने के लिए व्यायाम को नृत्य की तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे आम जनमानस का रुझान व्यायाम की तरफ बढ़ सके और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर व्यायाम करे और स्वस्थ रहे। आरडीएनसी जूडो एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित समर कैंप के समापन अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री तुलसी साहू उपस्थित हुई और उन्होंने कैंप क्षेत्र में ऐसे आयोजन की हृदय से सराहना करते हुए आयोजकों को ढेरों बधाइयां दी और जूडो का गुर सीख रहे बच्चों को उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के सचिव SR सोनी ने इस समर कैंप के उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया। ये लड़ाई कभी नहीं रही है कि पटरी के पार के उस पटरी के उधर या पटरी के इधर, या लड़ाई हमारे बीच में कभी नहीं रही। प्रारंभ में ये था कि जब जूडो का हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया, इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से जो हमारा पहला सेंटर सेक्टर 4 में रहा है और वहाँ से हम लोग जो है प्रयास करके इधर पे भी उस समय क्लासेस चलाते रहे। धीरे धीरे ऐसे होते गए कि हमने जिन बच्चों को ट्रेंड किया, बच्चे सीनियर होते गए, NIS प्रशिक्षक हुए, यहाँ का जो प्रशिक्षक है अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक है, इंडिया टीम के प्रशिक्षक बन के इंग्लैंड भी गया। तो जब हमारे जो सीनियर जो प्लेयर्स हैं, जो कोचेस बनते गए और अलग अलग सेंटर में वो जाके वहाँ पे जूडो को प्रचार करना शुरू किया, जूडो के खेल का डेवलपमेंट शुरू किया, यही कारण है कि आज कैंप क्षेत्र में, हाउसिंग बोर्ड में, शिवपुरी में, ये मैं पर्टिकुलर भिलाई की बात कर रहा हूँ, ऐसी जगह में भी जो है जूडो के बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है और यहाँ के बच्चे नेशनल में मेडल दे रहे हैं। पर्टिकुलर इस सेंटर में RDC जूडो क्लब एकेडमी का जो सेंटर है, यहाँ पे 150 नए बच्चे ने जो है पार्टिसिपेट किया है और इन बच्चों को जो है बेसिक नॉलेज के साथ में, सबसे पहले तो उसका फिजिकल फिटनेस, बेसिक नॉलेज, उसका कंसंट्रेशन बनना है, सेल्फ डिफेंस के प्रति जो है उसका, उन बच्चों का जो अट्रैक्शन, उसको जानने का, समझने का हम लोगों ने पैदा करने की कोशिश की। हमारी एक महीने में हम जूडो नहीं सिखा सकते, पर हमारी कोशिश ये थी कि जूडो के बेसिक चीज़ के बारे में बच्चे जानें। और इस अकेले सेंटर के अलावा सेंटर 4 में SSC में भी समर कोचिंग कैंप जो है वहाँ पर चल रहा है, उसका भी अभी समापन होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरडीएनसी जूडो एकेडमी को बहुत बधाई दूंगी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये एक तो ये स्लम बस्ती है और ऐसे जगहों पर बच्चों को बहुत खेल कूद की, जो कहना चाहिए बहुत, जैसे उपलब्धियाँ अपने सेक्टर क्षेत्रों में होती है उस तरह से नहीं हो पाती, वैसे परिवेश में उन्होंने बहुत एक अच्छा कार्य किया कि बच्चों को उन्होंने समर कैंप लगाकर आज उनका समापन समारोह रखा। इसलिए जूडो एकेडमी के सभी साथियों को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने एक अच्छा काम किया है और जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पर एक अच्छा नए नए ढंग से उन्होंने एक कार्यक्रम अपना दिखाया। शायद ये 30 साल और आज की पीढ़ी का जो समावेश उन्होंने दिया,
ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि छोटी छोटी मांग होती है अपने अपने वार्डों को, तो वार्ड के जो हमारे पार्षद हैं वो अपनी निधि से या हमारे जोन अध्यक्ष यहाँ पर हैं अपनी निधि से, जैसे कि बच्चों के लिए मान लो सवेरे खेलकूद का जो सामान है वो तो हर वार्ड में ऐसे ही उपलब्ध कराए, वो सब छोटी चीज़ें तो इन्हें मिल जाएगी। लेकिन बड़ी बात है जहाँ तक जो सेक्रेटरी महोदय ने कहा, हमको सोनी जी ने, जिनके कुम्हारी में इनका जो एकेडमी बन रहा है और उसमें इस तरह से है, कुछ कलेक्टर के पास इनकी फाइल की है, तो उस फाइल के लिए हम लोग कलेक्टर के पास जब वो चाहे तब हम लोग जाएंगे, बात करेंगे और वहाँ कुछ कमी दिखेगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम पूरी मांग करेंगे इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये खेल के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और लगातार वो किसी भी फंड को उन्होंने नहीं मना नहीं किया कभी भी किसी माध्यम से, और बच्चों के माध्यम में तो खास करके छत्तीसगढ़ में बच्चों को जिस तरह से उन्होंने आगे लाने का काम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से काम है वो शायद हम सब कहीं भी जाने में झिझकते नहीं हैं और उसके मांगने में नहीं झिझकते। कैंप क्षेत्र के लिए यह गौरव की बात है कि इतना बड़ा समर कैंप छत्तीसगढ़ प्रदेश खेल विभाग और छत्तीसगढ़ जूडो संघ के सहयोग से आरडेंसी जूडो अकेदमी के माध्यम से आयोजित किया गया। अब भिलाई के कैंप क्षेत्र के बच्चे भी इस विधा को सीखकर अपनी शारीरिक दक्षता को बढ़ाते हुए जिला, प्रदेश और देश के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने के लिए बेताब हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।